नमस्ते बच्चों, अमू एंड यू चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। अमू हर बार की तरह आज भी एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आई है। अमू आप लोगों के लिए कहानियां चुन चुन कर लाती हैं, जिससे कि ऐसी कहानियां सुना सकूं जो शायद साधारणतः आप नहीं सुनते होंगे या पढ़ते होंगे। आज की कहानी पंचतंत्र की एक ऐसी ही कहानी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि अमू फिर से पंचतंत्र की कहानी ले लाई है। अब तक मैंने जितनी भी पंचतंत्र की कहानियां सुनाई हैं बच्चों, वो सब जानवरों पर थी। आज की कहानी इंसान पर है, मनुष्य पर है, और उसका नाम है बुद्धिमान शत्रु। अब बहुत समय ऐसे सोचा जाता है कि अगर बुद्धिमान शत्रु और बेवकूफ मित्र में से हमको एक चुनना हो, हम किसे चुनेंगे? आप सोच के बताइए। आपको अगर बुद्धिमान शत्रु और बेवकूफ मित्र में से एक का चुनाव करना हो तो आप किसका करेंगे और क्यों? ये समझने के लिए चलिए ये कहानी सुनते हैं, बुद्धिमान शत्रु। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा राज्य करते थे। बहुत ही न्यायी राजा थे और उनका एक राज्य बेटा था, राजकुमार। वो बेटा करीब 20 वर्ष का हो गया था, लेकिन उसे राजकाज में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। उसे न घुड़सवारी का शौक था, न तो उसे तीर चलाना आता था। तीरंदाजी, घुड़सवारी, तलवार, किसी में कोई रुचि नहीं थी। राजा बड़े परेशान रहते कि ये कैसे मेरे बाद राजा बनेगा, इसको तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता। केवल अपने मित्रों के साथ घूमता फिरता रहता है, मौज मस्ती करता है, ये कैसे राजा बनेगा? अब उस राजकुमार के दो और मित्र थे, एक व्यापारी का बेटा था और एक पंडित का बेटा था। पंडित मतलब विद्वान का बेटा था। व्यापारी का बेटा भी व्यापार में कोई रुचि नहीं दिखाता और विद्वान का बेटा भी विद्या अर्जन में उसको कोई इच्छा रुचि नहीं थी। तीनों बड़े गहरे मित्र थे। एक दिन राजा ने अपने बेटे को बुलाया, राजकुमार को बुलाया और कहा कि राजकुमार, मैं आपसे बहुत ज्यादा नाखुश हूं। इतने बार समझाने के बाद भी मुझे जरा भी कोई तरक्की आप में नहीं दिख रही है। आपको मैं गुरुओं के पास भेजता हूं तो सबसे मुझे केवल यही सुनने को मिलता है कि राजकुमार को इसमें रुचि नहीं, इसमें रुचि नहीं, इसमें रुचि नहीं। आप घोड़ा नहीं चलाएंगे, आप तलवार नहीं चलाएंगे, तीर चलाना आपको नहीं आएगा, तो आप कैसे राजा बन पाएंगे? मैं आपको आखिरी बार चेतावनी देता हूं, ऐसे निकम्मे बनकर मत रहिए, मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूं। ऐसा सुनकर राजकुमार तो चले गए बाहर और जाकर अपने मित्रों से मिले और मित्रों से बोले, भाई मेरे पिताजी ने तो आज ये कहा। व्यापारी का बेटा भी बोला, अरे बाबा मेरे पिताजी ने भी आज ये कहा कि तुम्हें तो कारोबार में कोई रुचि ही नहीं, हिसाब किताब कुछ भी नहीं समझते, तुम न जानना चाहते हो। विद्वान का बेटा बोला, यही आज मेरे घर में हुआ, मेरे पिताजी ने मुझे बहुत डांटा फटकारा और कहा कितनी कोशिश करता हूं लेकिन तुम्हें मैं सिखा ही नहीं पाता हूँ, तुम विद्या हासिल ही नहीं करना चाहते हो, मेरे कद का कैसे बनोगे, मेरे जैसा तुम पंडित कैसे बनोगे, मेरे जैसा विद्वान कैसे बनोगे, और तुम्हें राजा के दरबार में कैसे स्थान मिलेगा? मैं तो वहां पे मुझे इतना सम्मानित किया जाता है, तुमको तो कोई पूछेगा भी नहीं। तो तीनों दोस्तों ने बोला कि कुछ तो करना पड़ेगा हमें, इस तरह से हमारे पिता नाखुश हैं। तो राजकुमार ने कहा कि भाई हम लोग कुछ सोचते हैं और कुछ ऐसा करके कमाते हैं, कमा के लाते हैं, जिससे हमारे पिताओं को भी समझ में आए कि हम भी किसी लायक हैं, हम कोरे नालायक नहीं हैं। तो चलते हैं, क्या कर सकते हैं? तो तीनों ने सोचा, कहीं खजाना ढूंढते हैं। फिर व्यापारी के बेटे ने कहा, चलो हम लोग खजाना जंगल में ढूंढते हैं। तो पंडित के लड़के ने कहा, जंगल में मिलेगा क्या? तो राजकुमार ने कहा, चलो हम लोग ऊंची पहाड़ में जाते हैं और ऊंचे पहाड़ में जाकर खजाना वहां ढूंढते हैं, वहां कम लोग जाते होंगे, खजाना वहां पे मिलेगा।
ऐसा बोलते हुए तीनों ने तय किया कि हम लोग चलते हैं और एक ऊंचे पहाड़ में जाएंगे और वहां पे खजाना ढूंढेंगे। तीनों चल पड़े, चलते 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 पहाड़ तक पहुंचे। पहाड़ पे भी चढ़ाई की, बड़ी भारी चढ़ाई की, और चढ़ाई करते करते अचानक उनका भाग्य चमका और तीनों को तीन अमूल्य रत्न मिले। ऐसे अनमोल रत्न उन्होंने तीनों ने कभी नहीं देखे थे। बड़े खुश हो गए, बोले वाह, अगर ये रत्न लाके हम जाकर अगर हमने दिखाया राजा को, और व्यापारी के बेटे ने बोला अपने पिताजी को, और पंडित के बेटे ने बोला मैं अगर अपने पिता को दिखाऊंगा कि देखो ये कमा कर लाया हूं, तो तीनों कितने खुश हो जाएंगे। चलो हम लोग इसको लेकर घर चलते हैं। अरे घर कैसे जाएंगे, अगर बीच में रास्ते में चोरी हो गई, डाका पड़ गया, लोगों ने हमसे छीन लिया, तो किसी को भनक लग गई तो छुपा के ले जाएंगे। अरे कैसे छुपा के लेके जाएंगे, डाकू लोग जब डाका डालेंगे तो क्या हमारी जांच पड़ताल नहीं करेंगे, हमारा पूरा सामान नहीं छांटेंगे। फिर तो एक ने सुझाया, चलो हम इन रत्नों को निगल लेते हैं, पेट से तो नहीं मिलेगा ना, पेट में लेके जाते हैं। तो तीनों को ये सुझाव बड़ा अच्छा लगा, हाँ पेट में लेकर चलते हैं और वहां पर कोई हमको ये देख भी नहीं पाएगा। ऐसा सोचकर तीनों ने अपने अपने रतन सब निगल लिए और रतन निगल के अपना चल पड़े। अब चलते चलते जब ये लोग चल रहे थे तो झाड़ी के पीछे से एक और चौथा उन्हीं के उम्र का था लड़का सुन रहा था। वो भी अपना भाग्य आजमाने पहाड़ों पर आया था कि कहीं पर कोई खजाना मिल जाए। बहुत दिनों से भटक रहा था, उसे कुछ नहीं मिला, फूटी कौड़ी तक नहीं मिली। और ये मन में सोचने लगा, ये तीनों अभी आए, इतने ही कम दिनों में इनको तो इतना खजाना मिल गया, ऐसे अनमोल रतन मिले हैं कि बेचेंगे तो ये तो माला माल हो जाएंगे, और मुझे देखो कुछ नहीं हाथ लगा, तो मैं कोई युक्ति करता हूं, इनका इनके साथ हो लेता हूं, जिससे मौका पाते ही किसी तरह से इनसे मैं ये हड़प लूं। ऐसा सोचकर बुद्धिमान था, और देखो बच्चों बुद्धिमान था इसीलिए उसने बुद्धि से ऐसे समय में भी कोई हल निकालने का सोचा। सोचकर वो उनके पास गया और बोला, भाई शाम होने वाली है, रास्ता भटक गया हूं, शहर की ओर जा रहा हूं, कहो तो तुम लोगों के साथ हो लूं, आगे चोर डाकू मिल सकते हैं। तो तीनों ने सोचा कोई बात नहीं, हमें तो किसी बात का डर नहीं है। मन ही मन सोचा कि रतन तो मेरे पेट में है, कोई ले नहीं सकता, तो ये साथ में रहेगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ भाई तुम हमारे साथ चलो, तीन से चार भले, हम लोग बात करते करते रास्ता भी आराम से कट जाएगा। ऐसा करते 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 ये लोग चारों चल पड़े। चलते चलते रास्ता काफी लंबा था, पहाड़ से उतरे, फिर चलते 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 एक गांव से गुजरने लगे। अब उस गांव का जो मुखिया था उसके पास एक जादुई चिड़िया थी। वो चिड़िया अगर कहीं पर भी कुछ खास देखती, चे 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 करने लग जाती, और उसकी इस बोली को मुखिया समझ सकता था कि ये चिड़िया क्या बोल रही है, कोई भी और नहीं समझ सकता था, यही उसका जादू था। तो जैसे ही ये चारों युवक उस गांव से गुजरने लगे, चिड़िया चे 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 करने लगी, और मुखिया ने सुना, कान खड़े हो गए, ये जो यात्री आ रहे हैं इनके पास बेशकीमती रत्न है। मुखिया तो बोला, अरे वाह, सेवकों को बुलाया, सेवक हाजिर हो, जी हुजूर, जल्दी जाओ, ये जो यात्री जा रहे हैं इनको पकड़ कर ले आओ तुरंत। क्यों, क्या किया है इन्होंने, जो कहता हूं करो, चिड़िया कह रही है इनके पास बेशकीमती रत्न है, इनसे रत्न हमको लेना है। ऐसा कहकर सेवकों को दौड़ा दिया, सेवक दौड़े और सेवक दौड़कर उन चारों को पकड़ कर लिया, पकड़ कर लाकर खड़ा कर दिया मुखिया के सामने। अब ये चारों लोग
चिड़ी को देखकर चिड़िया और भी चें 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 करने लगी। मुखिया ने कहा, देखा मेरी चिड़िया कैसी जादुई है, ये कह रही है तुम्हारे पास बहुत बेशकीमती सामान है, जो है हमें दे दो। चारों बोले, साहब हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारी चिड़िया कभी झूठ नहीं बोलती, युवक जल्दी दे दो नहीं तो बड़ी भारी सजा भुगतनी पड़ेगी। युवक बोले, हमारे पास कुछ नहीं है, आप देख लीजिए। सेवकों को हुक्म दिया, तलाशी लो, जल्दी इनकी तलाशी लो। और तलाशी लेकर इनसे ये बेशकीमती रत्न हासिल करो। तलाशी ली गई, कपड़े उतार भी दिए गए, कुछ नहीं मिला। मिलना ही नहीं था ना, क्योंकि उनके पास तो कुछ था नहीं, और जो था वो पेट के अंदर था। अब पेट के अंदर की तलाशी कैसे लेते बच्चों? कुछ नहीं मिला। मुखिया परेशान, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकता था। कहा, छोड़ दो, जाने दो। जैसे ही जाने दो कहा, और ये चारों चल पड़े। जैसे ही थोड़ी दूर गए, चिड़िया फिर से चें 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 चें। मुखिया ने सुना, मुखिया ने कहा, ये फिर चिल्ला रही है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मेरी चिड़िया तो कभी झूठ नहीं बोलती, गलत नहीं बोलती, उन चारों को वापस पकड़ कर ला। सेवकों से कहा, जाओ लेकर आओ। सेवक बोले, महाराज अभी लेकर आए थे, कुछ नहीं मिला, पूरे नंगे करके उनकी तलाशी ले ली, अब कहां से मिलेगा, जो कहता हूं वही करो, जाओ पकड़ के लाओ, मेरी चिड़िया गलत नहीं हो सकती। चारों के पास सेवक फिर दौड़ाए गए, और दौड़ा के सेवक गए, जाके उनको पकड़ा, और पकड़ कर फिर से वापस लेकर आए, और लाकर मुखिया के सामने हाजिर किया। मुखिया ने कहा, भाई साफ साफ सुन लो, तुम्हारे शरीर से हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन तुम्हारे पास कुछ महंगा है, मेरी चिड़िया ने कहा है, और वो कभी गलत नहीं होती, या तो बता दो, और नहीं बताओगे तो कल सुबह तुम लोगों का पेट काट कर पेट के अंदर जांच की जाएगी। अभी रात हो गई है तो पेट काटने वाला अभी नहीं बुला पाएंगे। उन्होंने कहा, हमारे पास तो कुछ नहीं है। सेवकों को बोला, जाओ इनको जाकर कोठरी में डाल दो। सेवक गए, इनको जाके कोठरी में भर दिया। अब रात भर ये लोग कोठरी में पड़े, तीनों तो क्या करते, किसी तरह सो गए, लेकिन ये चौथा नहीं सो रहा था। ये सोचने लगा कि भाई इन तीनों क्या पेट कटेगा, तीनों के पेट से रतन मिलेगा तो हमारा पेट भी कटेगा, हमारे पेट में तो कुछ नहीं मिलेगा लेकिन मेरी मौत तो हो जाएगी, मेरी मृत्यु निश्चित है, किसी भी हाल में मेरी मृत्यु निश्चित है, चाहे मेरा पेट पहले काटा जाए, बाद में काटा जाए, कभी भी, क्यों ना मैं इनको बचाने की कोशिश करूं। ऐसा सोचकर उसने एक योजना बनाई, और अगले दिन सुबह जब खींचते हुए जंजीरों से बांध कर सेवक उन चारों को लेकर मुखिया के पास गए, तो हाथ जोड़कर चौथे लड़के ने कहा, मुखिया जी एक विनती है। क्या है बोलो, रत्न का पता बताओगे क्या? नहीं हुजूर, मुझे नहीं पता रत्न कहाँ है, लेकिन मैं अपने भाइयों को मरता नहीं देख सकता, तो सबसे पहले मेरा पेट काटिए, इसके बाद आप इनका काटिएगा। मुखिया बोला, अरे वाह, तुम तो बड़े नरम दिल के हो, अपने भाइयों से प्यार करते हो, कोई बात नहीं, तुम्हारा ही पेट पहले काटा जाएगा। बोलकर उसने सेवकों को हुक्म दिया, भाई चलो इसका पेट पहले काटो। पेट काटा गया, कुछ मिला क्या? नहीं, क्योंकि उसके पेट में तो कुछ था नहीं। अब मुखिया सोचने लगा, नाहक इसको हमने मरवा डाला, एक की हत्या सर पर लगी, इन तीनों को भी मारूंगा तो चार की लगेगी, बड़ा पाप होगा। अगर रतन होता तो इसके पेट से भी तो निकलता, चिड़िया को कुछ गलत फहमी हुई है। ऐसा सोचकर मुखिया ने उन तीनों को जाने दिया। अब तीनों बच गए। कैसे बचे?
चौथे व्यक्ति ने अपनी बुद्धि से उनको बचाया। शत्रु था वो, इन लोगों से रतन चुराने आया था, लेकिन जब उसे लगा कि वो कभी नहीं चोरी कर पाएगा, उसके पहले ही उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया कि जब मैं बच नहीं पाऊंगा, मुझे रत्न मिलेगा नहीं, तो इन तीनों की तो जान बचा दूं। कितनी बुद्धिमानी की बात थी ये। इसलिए बुद्धि हमेशा काम आती है, चाहे वो मित्र हो या शत्रु। मूर्खता न चाहते हुए भी बहुत समय हम लोगों को बड़े ही मुसीबत में डालती है। ये है बुद्धि का कमाल और बुद्धि की शक्ति। इसलिए बुद्धिमान शत्रु शायद मूर्ख मित्र से बेहतर होगा। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन हिट करिए, अमु के सारे नोटेशंस पाइए। और अगर आप अपनी कोई भी राय सुझाव लिखना चाहते हैं मुझे लिखिए, मैं उसका जवाब दूंगी। और सारे वीडियोस देखिए, जितने भी वीडियोस मैंने लगाए हैं आप देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा, आपके भाषा में बहुत सुधार आएगा। ठीक है, खुश रहिएगा, अच्छे बनिएगा और हमेशा अमू का इंतजार करिएगा। अगले हफ्ते मैं फिर से एक नई कहानी लेकर आऊंगी। नमस्ते, धन्यवाद।